Hello, friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today, in this video, we are going to learn about nursing care plan that is urinary incontinence or bladder incontinence. And through this video, you learn this care plan very easily. And this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. So, friends. आज हम वीडियो में यूरिनरी इनकंटिनेंस और ब्लैडर इनकंटिनेंस का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ लर्न करने वाले हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक देखते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस मींस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को ब्लैडर इनकॉन्टीनेंस के नाम से भी हम जानते हैं यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस सिंपली मीन्स लीकिंग ऑफ यूरिन मीन्स यूरिन का लीक होना ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन यूरिन इनकॉन्टीनेंस गलत है यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस ऑल्सो नॉन एज इनवॉल्ट्री यूरिनेशन Is any uncontrolled leakage of urine? Urinary incontinence is uncontrolled leakage of urine from bladder. Means urinary incontinence, तो इसको हम bladder incontinence के नाम से भी जानते हैं। या involuntary urination के नाम से जानते हैं, means इसमें urine का leakage होना होता है। Next देखते हैं nursing care plan for यूरिनरी incontinence पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर प्लान हो गया यहाँ पर। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान स्टेप्स यूज़ करेंगे जिसमें नर्सिंग असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस गोल प्लानिंग और इंटरवेंशन, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड एविलेशन ये सारे हमारे स्टेप्स होंगे नर्सिंग केयर प्लान के तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट नर्सिंग असेसमेंट में हमको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा मीन्स वो डाटा जो पेशेंट द्वारा बताया जाता है देखते हैं इसमें पेशेंट वर्बलाइज दैट इनएबिलिटी टू पास यूरिन इफेक्टिवली एंड पेशेंट रिपोर्ट फ्रिक्वेंसी अर्जेंसी एजिटेंसी डाइसूरिया एंड नक्चूरिया तो ये थे सब्जेक्टिव डाटा नर्सिंग असेसमेंट के अंदर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा मीन जो जिसको नर्स ऑब्जर्व करती है मेजर करती है इसमें असेजोडिंग पैटर्न एंड सिम्टम्स Bladder distance and urinary incontinence. After writing these data, we write here the nursing diagnosis. The nursing diagnosis Urinary incontinence may be related to urinary tract infection, UTIs, constipation, kidney stone, prostate problem, neurological disorder, diabetes. वीकेंड ब्लेडर मसल ओल्ड एज प्रेगनेंसी एक्सेट्रा तो यहाँ पर हमको लिखना है नर्सिंग डायग्नोसिस में ये ध्यान रखना है यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इसके बाद हमको लिखना है रिलेटेड टू इसके बाद लिखना है रिलेटेड टू मीन्स जो हमने रिलेटिंग फैक्टर बताए बहुत सारे उनमें से आप कोई भी एक फैक्टर लिख सकते हो जो आपके पेशेंट से रिलेटेड है इसमें सारे आपको रिलेटिंग फैक्टर नहीं लिखना है इसलिए हमने यहाँ लिखा है मे बी रिलेटेड टू तो आपको इसमें जब भी आप इसको अपना असाइनमेंट या नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट या फिर जो भी रिलेटिंग फैक्टर है आपका पेशेंट से रिलेटेड वो लिखना है जैसे कि हम बताते हैं आपके अब यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस रिलेटेड टू डायबिटीज लिख दिया या यूरिनरी इनकॉ रिलेटेड टू प्रोस्टेट या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी मींस इस तरह से में जो भी आपका पेशेंट से रिलेटेड कंडीशन है वो यहाँ लिख सकते हैं तो इस तरह लिखना है। जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनंस रिलेटेड टू किडनी स्टोन या यूरनरी इनकॉनकिनस रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो येगा नर्सिंग डायग्नोसिस केवल यहाँ पर आपको कुछ चेंज करना है नेक्स्ट देखते गोल गोल होगा पेशेंट विल अचीव ए नॉर्मल एलिमिनेशन पैटर्न फ्री फ्रॉम फ्रिक्वेंसी एंड अर्जेंसी प्रिवेंट यूरिनरी इनकॉन्टिन यहाँ पर एक गोल होगा गोल को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंशन तैयार करेंगे पेशेंट के लिए नेक्स्ट रेशनल मीन्स वाट इज द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन जो इंटरवेंशन पेशेंट को दे देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान मीन्स जो इंटरवेंशन हमने तैयार किया है उसको पेशेंट पे अप्लाई करना तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन आइडेंटिफाई कॉज ऑफ इंपेयर्ड यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस रिश्लो होगा अर्ली आइडेंटिफिकेशन हेल्प इन इंटरवेंशन प्रोसेस इंप्लीमेंटेश लिखना है आइडेंटिफाइड कॉजेज ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस नंबर सेकेंड देखते हैं मोनिटर इनटेक एंड आउटपुट रिश्नल होगा टू डिटरमाइन हाइड्रेशन लेवल इंप्लीमेंटेश लिखना है कंपेयर इनटेक एंड आउटपुट नंबर थर्ड एनकरेज एडुकेट फ्लूड एंड टू टू फोर लीटर पर डे रेशन होगा का प्रॉपर हाइड्रेशन प्रमोट यूरिनरी एलिमिनेशन बाय मेंटेनिंग रिनल फंक्शन एंड फ्लसिंग बैक्टीरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन लिखना है एनकरेज फॉर फ्लूड एंड नंबर फोर एजुकेट ऑन ब्लैडर ट्रेनिंग पेशेंट विद इनकॉन्टीन और एन ओवरएक्टिव ब्लैडर कैन टीज ब्लैडर टू इंक्रीज द

Educate on pelvic floor exercises. Kegel exercises are helpful in strengthening the pelvic floor muscles and preventing urine, urine, urine leakage. Implement education is given about pelvic floor exercises. Number 9. Use incontinence supplies, pads, adult diaper, etc. Prevent uncomfortable situations when a bathroom is not available or the bladder cannot be held. इम्प्लीमेंटेशन लिखना है इन कॉन्टीन यूज नंबर टेन प्रमोट कंटिन्यूड मोबिलिटी रेशलो का दिस डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग यूटीआईज इंप्लीमेंटेशन लिखना है प्रोमोटेड अबाउट कंटिन्यू मोबिलिटी नंबर इलेवन कैथराइज कैथेटराइज एज इंडिकेटेड रेशलो का कैथटराइजेशन मे बी नेरी ए ट्रीटमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंटेश लिखना है कैथटराइजेशन इज डन नंबर टुवे लिखना यूज़ ब्लडर स्कैन रेसमुका ब्लडर स्कैनर टू मोनीटर द यूरीनरी रिटेंसन इम्लीमेंटेशन लिखना ब्लडर स्कैनिंग ड नंबर था डेमोस्ट्रेट कैथटराइजेसन टेक्नीक रेस लोका टू रिड्यूज़ रिस्क ऑफ इनफेक्शन एंड प्वेंट कॉम्प्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन लिखना डेमोस्ट्रेटेड कैथटरजेशन टेक्नी नंबर फोरटीन लिखना एडमिश मेडिकस एज इंडिकेटेड ऑक्सीब्यूटाइन डायट्रोपेन प्रोपैनथेलीन प्रोबैंथिन एक्सेट्रा इसलोका दिस डग इट इज ब्लडर स्पेसिटी एंड एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ फ्रिक्वेंसी अर्जेंसी इन कॉन्टीन एंड नॉक्चूरिया इम्प्लीमेंटेशन लिखना है एडमिस्टर्व मेडिकस एज प्रिस्क्राइब नंबर फिफ्टीन में लिखना है रेफर टू यूरोजिस्ट इसलोरोजिस्ट कैन परफॉर्म टेस्टिंग एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू इज पेन इन कॉन्टीनेंस एंड रिटेंशन इम्प्लीमेंटेशन लिखना है पर रेफर टू आफ्टर राइटिंग दिज इंटरवेंशंस ये सभी इंटरवेंशंस लिखने के बाद हम नर्सिंग केयर प्लान का यहाँ पर एवेल्यूशन स्टेप्स लिखेंगे तो देखते हैं एवेलेशन स्टेप फॉर दिस केयर प्लान तो देखते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस का एवेलशन एवेल्यूशन लिखना है हमको यहाँ पर नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न अचीव्ड एंड यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस इस्टॉप्ड यहाँ पर हमारा एवेलेशन होगा जो हमारा गोल था वो हमने चिप किया है भाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर यूरिनरी इनकॉन्टिनंस का केयर प्लान बहुत आसान तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं तो आप वीडियो को ध्यान से देखेगा और अपना जो भी नोट्स है फॉर नर्सिंग केयर प्लान फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनंस यहाँ से ले सकते हो और इजीली अपना असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हो तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अनंस नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेलाइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा थैंक यू